जहाँ तक विरासत के हवाले से ताल्लुक़ है तो इसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है कि जब मैयत फौत हो जाती है तो उसकी विरासत में से, जिसे माले मतरूका कहा जाता है, उसमें तीन किस्म के ज़विल फरूज़ या एयर्स जो हैं वो अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं। उनमें एक औलादें हैं, बेटे और बेटियाँ या सिर्फ बेटियाँ, दूसरे अजवाज हस्बैंड के लिए बीवी और बीवी के लिए हस्बैंड और वालदैन। तो जहाँ पे अजवाज की बात होती है वहाँ पर अल्लाह सुभाना ताला ने वाज़े तौर पर वफ़ात अगर शोहर की होती है तो ये वाज़े तौर पर बता दिया है कि अगर मर्द फौत होता है उसकी औलाद है तो फिर बीवी को आठवां हिस्सा, और अगर औलाद नहीं है तो बीवी को उसके माल में से चौथा हिस्सा दिया जाएगा। और जहाँ अल्लाह ने सूरह निसा में शोहर के फौत होने पर बीवी के दो हिस्से बताए हैं दो हालतों में, उन्हीं आयात में अल्लाह सुभान व तआला ने बीवी के फौत होने पर शोहर के हवाले से भी हिस्से बता दिए हैं कि अगर बीवी के बच्चे थे, खातून जो फौत हुई है उसकी औलाद थी, वो साहिब औलाद थी, तो फिर शोहर को उसके माल में से चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर वो खातून जो फौत हुई है वो ला औलाद थी तो शोहर को उसके माल में से आधा हिस्सा मिलेगा। ये तसव्वुर जो मुझे आप बता रही हैं, इसका कोई तसव्वुर कुरान और हदीस से साबित नहीं है कि बीवी का माल चूँकि शोहर की कमाई में से बनता है तो वो उसकी वफ़ात के बाद पूरे का पूरा शोहर को मुंतकिल होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक खातून का पूरा माल शोहर ही के माल में से बने, वो उसके वालदैन या उसकी किसी और, उसकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम, उसके बिज़नेस या उसकी आमदनी में से भी उसका माल हो सकता है। और मोर ओवर अगर उसका माल उसके शोहर की आमदनी ही से सिर्फ बना है तो भी अल्लाह ने इसको डिफरेंशिएट करके स्पेसिफाई नहीं किया और औरत के माल के सोर्स की बुनियाद पर उसकी विरासत को डिटरमिन नहीं किया। वाज़े तौर पर यह बता दिया गया कि खातून में से, खातून के माले मतरूका में से उसके शोहर का हिस्सा आधा या चौथा हिस्सा है, डिपेंडिंग अपॉन औलाद है या नहीं है। और इसमें किसी किस्म की कोई डिबेट या हमारे माशरती तसव्वुरात या हमारे ख़ानदानी तसव्वुरात का कोई असर नहीं है। होगा वही जो अल्लाह सुभाना ताला ने मुकर्रर कर दिया है, और फिर अल्लाह सुभाना ताला ने इनको ये भी कह दिया है कि तिलका हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, और जो इन हदों से तजावुज़ करेगा वो क्या है, वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। तो एक खातून के फौत होने के बाद शोहर को उसका चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा ही मिलेगा, बाकी का उस खातून के वालदैन और उसके बच्चों के दरमियान तकसीम किया जाएगा।